यस हेलो गाइस वेलकम बैक टू लॉ प्रफ जुडिशरी दिस इज मी हितेन जोशी सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में अपन डिस्कस करेंगे दी कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पटिशन राइट right? आपने टर्म सुना होगा क्यूरेटिव पटिशन क्या होता है कि कैसे कब क्यूरेटिव पटिशन फाइल की जाती है तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में अपन ब्रीफ में देखेंगे कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ क्यूरेटिव पटिशन कब इसको फाइल किया जाता है कहाँ पर इसको फाइल किया जाता है कितना ड्यूरेशन होता है जहाँ पर इसको डिसाइड किया जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर पटिशन कितने टाइम में डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए कौन कौन जजेस इसको सुनते हैं और

कैसे करनी है एक अच्छा एज लेना चाहते हो क्योंकि इस बार प्री और मेस दोनों ही आपके इंक्लूडेड कर दिया गया इन द एग्जाम ऑफ ए तो अब इसके लिए आपको क्या करना है कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और जैसे ही आप ए वाले सेगमेंट में जाओगे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको कूपन कोड लगाना है हितेन ट्रिपल सेवन लॉग इन वगैरह कर कर वहाँ पर आपको कूपन कोड लगाना है हितेन ट्रिपल सेवन जैसे आप ये कूपन कोड लगाओगे आपको ये बैच मात्र तीन हज़ार में अवेलेबल हो जाएगा कितना ओनली टू ट्रिपल नाइन इतनी सी प्राइस में सबसे अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर आपके लिए लॉ रैप ने बैच निकाला है जो कैटर करेगा चाहे मेन्स हो चाहे प्री हो दोनों ही एग्जाम्स को या दोनों ही स्टेजेस को यहाँ पर ध्यान में रख कर कर ये बैच आपके लॉन्च किया गया ये पूरी टीम आपको यहाँ पर ए पी ओ की तैयारी कराएंगे राइट दूसरी चीज हरियाणा जुडिशरी का मेस आंसर राइटिंग बैच भी चल रहा है आप इसमें भी एनरोलमेंट कर सकते हैं छह फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे वीकली लाइव लेक्चर रहेंगी वन टू वन मेंटरशिप रहेगी करण सर की गाइडेंस में आपके बैच पूरा लॉन्च किया गया है राइट अब इसमें आपको क्या करना है आपको एक कूपन कोड लगाना है हितेन डबल नाइन जैसे ही आप एक कूपन कोड लगाओगे हितेन डबल नाइन आप बैच ऑनली ट्वेंटी में अवेलेबल हो जाएगा इसके अंदर टोटल छह फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल होंगे और तीसरी चीज अगर आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप बेसिकली आप जोधपुर या जयपुर से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर ऑफलाइन बैच भी एनरोलमेंट ले सकते हैं मात्र दस हज़ार में अभी आपको बैच अवेलेबल है यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में आप आकर यहाँ पर हम साथ में वन टू वन डिस्कस कर कर अच्छे से यहाँ पर और मेंस की तैयारी साथ में करेंगे राइट चलो अब आज का अपना टॉपिक है दी कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पटिशन अब आपने टर्म सुना होगा कि क्यूरेटिव पटिशन क्या होता है इसका मतलब क्या होता है आपने टर्म सुना होगा कई बार तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में अपन देखेंगे कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ क्यूरेटिव पटिशन कहाँ पर फाइल होती है कैसे फाइल होती है तो आइए अब अब इसमें अपन स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले इसमें देखो क्या लिखा हुआ है इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल जुडिस्टिक्शन विच इज़ कार्ड आउट बाई द सुप्रीम कोर्ट एंडर इन हेरेंट पावर अपन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कहीं भी अगर इनजस्टिस हो रहा होता है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपनी स्वतः सुमोटो मोटो लेकर वहाँ पर उस पर्टिकुलर केस के अंदर जस्टिस कैसे वहाँ पर डिलीवर्ड हो ये कोशिश करती है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अब ये पावर कहाँ से आती है आर्टिकल वन आर्टिकल वन जो बात करता है टू तो डू दी कम्प्लीट जस्टिस 142 क्या बात करता है कि टू डू कंप्लीट जस्टिस टू डू कंप्लीट जस्टिस वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है ऐसे मामलों के अंदर जहां पर जो पार्टीज हैं उनको वहाँ पर न्याय मिले सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है अब दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि जो कंसेप्ट है क्यूरेटिव पैटिशन का वो अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हु्रा के, के केस में पहली बार ये पेटिशन को जन्म मिला और यहाँ पर इस पहली बार इस केस के अंदर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि क्यूरेटिव पेटिशन भी फाइल की जा सकती है अब अब अभी अपन आगे देखेंगे कि इसकी स्टेज क्या रहती है राइट अब देखो इसके

ये बोलने के लिए कि इस पर्टिकुलर मामले को वापस देखा जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो ऐसी पेटिशन को बोला जाता है क्यूरेटिव पेटिशन टू रिव्यू और रिवाइज दी इट्स ओन डिसीजन पास इन द रिव्यू पेटिशन ये होता है आपके क्यूरेटिव पेटिशन का मतलब अब इसके अंदर प्रोसीजर क्या है क्या बता रखा है कि यहाँ पर एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाता है गेट्स रिव्यूड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर रिव्यू पेटिशन अब कैसे होता है ये पहले तो सबसे पहले हाई कोर्ट से अगर मान लो हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो उसकी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलर उस केस के अंदर अपना जजमेंट दे दिया फिर वहां पर जो भी एग्रीड पार्टी है वो उस जजमेंट के अगेंस्ट में रिव्यू पटिशन फाइल करती है जब रिव्यू पैटिशन से भी अगर मान लो वहां पर इनजस्टिस रहता है या जस्टिस नहीं मिलता पार्टीज को तो उन सारे केसेस में एज ए लास्ट रिजोर्ट ये एक आखिरी उपाय होता है जहां पर इस पर्टिकुलर जजमेंट को या केस को आपके चैलेंज किया जा सकता है एज अ राइट right? अब इसमें अपन जैसे अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल थर्टी सेवन जहां पर रिव्यू किया जा सकता है राइट right? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी रूल्स वगैरह बना सकती है कि कैसे क्यूरेटिव पेटीशन का अलाउ किया जाएगा क्या इसका मेथड रहेगा कौन कौन लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर केसेस को सुनेंगे कौन इसके अंदर असिस्ट कर सकते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है रूल्स बना सकती है कहां पर बनाती है रूल मेकिंग पावर कहां पर है आर्टिकल 145 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है जब भी क्यूरेटिव पटिशन फाइल की जाएगी तो इसकी क्या मुख्य बिंदु है जो फॉलो होने चाहिए पहला क्या है पेटिशनर मस्ट स्टेट दैट द ग्राउंड्स मैंशनड इन द क्योरेटिव वर टेकन इन द रिव्यू पटिशन जो भी पेटिशनर है उसको बताना पड़ेगा कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये ग्राउंड मैंने रिव्यू पटिशन में लिए थे जिसको डिसमिस कर दिया गया एंड देयर फॉर नाउ आई एम फाइलिंग दिस क्यूरेटिव पटिशन फिर उस रिव्यू पटिशन को डिसमिस कर दिया गया था बाय सर्कुलेशन उसको खारिज कर दिया रिव्यू पटीशन को और तीसरा एक सर्टिफिकेट आना चाहिए सीनियर एडवोकेट की तरफ से जो ये बताए कि यह जो रिक्वायरमेंट्स है विध रिस्पेक्ट टू क्यूरेटिव पटिशन वो यहां पर फुलफिल होती है राइट अब देखो यहां पर क्या है एक ऑर्डर फोर्टी एट है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स दो हजार तेरह सुप्रीम कोर्ट रूल्स दो हजार तेरह के अंदर एक ऑर्डर फोर्टी एट है राइट जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बता रखे हैं या एक कंडीशंस बता रखी है जो फुलफिल होनी चाहिए विध रिस्पेक्ट टू द फाइलिंग ऑफ क्यूरेटिव पटिशन क्या है अभी जैसे मैंने आपको बताया क्यूरेटिव पटिशन फाइल करने से पहले रिव्यू पटिशन लगनी चाहिए रिव्यू पटिशन डिसमिस हो जानी चाहिए क्यूरेटिव पटिशन मस्ट बी अकम्पनीड बाई अ सर्टिफिकेट ऑफ सीनियर एडवोकेट दैट दटिशनर मीट्स दी अफोर्ड्स रिक्वायरमेंट्स जैसे मैंने अभी बताया कि सर्टिफिकेट के थ्रू यहाँ पर सर्टिफाई uh, हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जो सीनियर एडवोकेट है वो सर्टिफाई कर रहे हैं कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स है क्योरिटि पार्टीशन की वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है और एक सर्टिफिकेट आना चाहिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के द्वारा टू द इफेक्ट दैट इट इज़ द फर्स्ट क्यूरेटिव इन द इम्प्यून्ड ऑर्डर मतलब यहाँ पर एक और सर्टिफिकेट आना चाहिए ए ओ आर की तरफ से कि यहाँ पर ये जो क्यूरेटिव पार्टीशन लगाई जा रही है ये पहली पटिशन है मतलब पहली बार ही जब रिव्यू पटिशन डिसमिस हुई उसके बाद पहली बार ये क्यूरेटिव पटिशन यहाँ पर फाइल की जा रही है राइट right? तो ऑर्डर फोर्टी एट इंपॉर्टेंट है ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है <coughs> तो जब ये सारी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होगी उसी के बाद में यहाँ पर क्यूरेटिव पेटिशन का कंसेप्ट यहाँ पर लागू होगा और उसके बाद में इसको एडमिट किया जा सकता है राइट right? अब देखो इसके अलावा जो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि क्यूरेटिव कंसेप्ट क्यूरेटिव पेटिशन का जो कंसेप्ट है ये आपके प्री एग्जाम में पूछा जाता है मीनस <coughs> एग्जाम में पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अब इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव आप इसमें लिख लें ऑब्जेक्टिव क्या है टू प्रिवेंट दी ग्रॉस मिस कैरियज ऑफ इन जस्टिस मतलब अपन को यहां पर यह ध्यान रखना है कि यहां पर न्याय जो है वो वहां पर होना चाहिए पार्टीज को अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राय मिल, न्याय मिलना चाहिए तो उसके लिए क्या है टू टू अवॉइड दिस कैरियज ऑफ जस्टिस एक तो ये इसके अंदर पहला पॉइंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है दूसरा क्या है टू द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट कि न्यायालय के जजमेंट ऐसे नहीं हो जहां पर पार्टीज को सुना नहीं गया हो रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का ध्यान रखा गया हो तो ये अगर सारी चीजें नहीं है तो वहां पर क्यूरेटिव पटिशन को एडमिट किया जा सकता है बाय द पार्टीज टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द राइट इसके इसके right? अब इसके अंदर आपको जो दूसरी चीज ध्यान रखनी ड्यूरेशन ड्यूरेशन क्या रहता है कि भाई कितने टाइम में ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि इस पेटिशन को एडमिट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा तो जब भी ऐसी पेटिशन लगाई जाती है तो विदिन थर्टी डेज विद इन थर्टी डेज यहां पर ये डिसाइड किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि क्या हम इस पेटिशन को एडमिट करते हैं या नहीं करते हैं रिजेक्ट करना है या इस पर्टिकुलर पेटिशन को यहाँ पर डिसमिस करना है राइट फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर मतलब जब भी वहाँ पर रिव्यू पेटिशन को जब खारिज किया गया तो उससे अगले तीस दिन के अंदर अंदर यहाँ पर क्यूरेटिव पेटिशन को फाइल करना पड़ेगा राइट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए <coughs> दूसरी चीज़ यहाँ पर जो पता होनी चाहिए आप सबको विथ रिस्पेक्ट टू दिस कि इसका प्रोसीजर क्या रहता है इसका प्रोसेस क्या रहता है इसका प्रोसेस क्या रहता है तो जो क्यूरेटिव पटिशन होती है वो आपके सबसे पहले जाती है तीन सीनियर मोस्ट जजेस के पास में जो सुप्रीम कोर्ट के तीन सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके पास में जाती है और जो भी कंसर्न जज थे जो रिव्यू पटिशन को सुन रहे थे उनके पास भी वहाँ पर वो पर्टिकुलर पटिशन जाती है अगर वो अवेलेबल है तो अब आगे क्या होता है इसके अंदर बेसिकली आगे ये होता है कि वो तीन सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस डिसाइड करते हैं कि भाई इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना इस पर्टिकुलर पेटिशन को वहाँ पर एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना और अगर वहाँ पर मेजोरिटी ये डिसाइड करती है कि इस पर्टिकुलर पेटिशन को एडमिट करना है तो फिर ये मामला क्यूरेटिव पेटिशन वाला मामला उसी बेंच को भेज दिया जाता है जिन्होंने रिव्यू पेटिशन या तो खारिज की या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो डिस्कस नहीं हो पाए ड्यूरिंग द रिव्यू हियरिंग ऑफ द ऑफ दैट पर्टिकुलर जजमेंट राइट right? और एक और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जनरली जो आपकी क्यूरेटिव पटिशन वाला जो मैटर होता है कि इसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना एडमिट करना है नहीं करना वो आपके चैम्बर के अंदर ही होता है मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का चैम्बर है वहीं पर डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर पटिशन को एडमिट करना है नहीं करना अनलेस अदरवाइज कि भाई वहाँ पर ओपन कोर्ट की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम दी पार्टीज या फिर एडवोकेट्स तो फिर ओपन कोर्ट में भी हो सकता है जनरली नहीं तो ये चैम्बर के अंदर ये डिसाइड होता है कि भाई क्यूरिटिव uh, पटिशन की जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा एडमिट किया जाएगा कि नहीं राइट सो दिस इज़ दी कंसेप्ट ऑफ क्यूरिटिव पटिशन जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है uh, जब अपन बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जुडिडिशनल पावर्स है क्या इनहेरेंट पावर्स है तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार रूपा अशोक वर्सेस अशोक के केस में इसको जन्म दिया था राइट right? सो so, ये एक इंफॉर्मेटिव आई होप आई एक बाफॉर्मेटिव सेशन रहा होगा आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो चुकी है विद रिस्पेक्ट टू क्यूरेटिव पटिशन so, सो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए आप लॉ प्र जुडिश्री को फॉलो कर सकते हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलते रहेंगे क्या वो वीडियोस के फॉर्मेट में हो लाइव सेशंस के फॉर्मेट हो या शॉर्ट्स के फॉर्मेट हो राइट सो ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू